तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों को BGMI रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी इंक्वायरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं अगले वीडियो में या तो कमेंट सेक्शन में ही उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, एक काम ज़रूर से करना, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि अगर घंटी नहीं दबाओगे तो क्या घंटा नोटिफिकेशन आएगा। सो यो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं BGMI के अनबैन के बारे में। तो गाइज बंदों का दिमाग ख़राब हो चुका है, बंदे थक चुके हैं, और जो भी जाहिर सी बात है क्योंकि कभी ये डेट आ रहा है, कभी वो डेट आ रहा है, और यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियोस पड़े हैं। तो गाइज वो सब कुछ नहीं है, क्राफ्टन के तरफ से अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आए हैं, कुछ ऑफिशियल डेट्स आए हैं, और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है हमारे गेम को रिलेटेड। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्राफ्टन की तरफ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जब गेम वापस आएगा तो आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी बंदे थे जिनको आपने गेम खेलते टाइम जिनसे आप मिले, जिनको आपने ऐड किया, जिनके साथ आप खेलते थे, तो अगर उनके साथ आप अब भी खेलने का प्लान कर रहे हो तो गाइज़ मैं बता दूँ कि आपका पूरा जो फ्रेंड लिस्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा, वो लोग अनफ्रेंड हो जाएंगे। तो गाइज़ मैं आपको बोलूँगा अभी उन लोगों से उन लोगों का नंबर या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल ले लो, उनका आईडी नोट कर लो, और बाद में जब उनसे कहीं और पे कांटेक्ट रखो, और बाद में जब गेम वापस आ जाए तो फिर उनसे आईडी लेके ऐड फ्रेंड में फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके फिर आराम से खेलना, वरना भाई गया, ठीक है ना, क्योंकि नहीं मिलने वाला फिर से वो फ्रेंड, ठीक है ना, तो कर लो। तो गाइस एक और यहाँ पे बहुत लोगों का कन्फ्यूशन है कि जो आप लोगों के गेम में, आप लोगों के अकाउंट में पॉपुलैरिटी था, किसी का बहुत ज़्यादा था, किसी का उतना ज़्यादा नहीं था, जिसका जितना भी था, क्या वो भी रिमूव हो जाएगा, क्या वो भी ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि पहले जब पबजी से BGMI आया था तो सबका वो पॉपुलैरिटी ज़ीरो हो गया था। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका चांसेस 60-40% है, क्योंकि क्राफ्टन के ऑफिशियल वेबसाइट में इसका जिक्र तो है लेकिन कहीं पे यह नहीं लिखा कि हाँ भाई हो जाएगा या फिर नहीं होगा। वहाँ पे ये लोग मतलब जितना पढ़ के समझ में आ रहा है सबको कि वहाँ पे 60-40 चांसेस है, मतलब 60% चांसेस ये है कि आपका पॉपुलैरिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगा, और 40% चांसेस ये है कि नहीं होगा, रह जाएगा। अगर रह जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, ठीक है ना, और अगर नहीं रहता है तो भाई क्या ही कर सकते हैं, गेम वापस आ जाए वही बड़ी बात है ना। तो गाइस अब आते हैं हमारे वीडियो के मोस्ट अवेटेड सेक्शन में, जो कि है भाई कब आएगा, कब आने वाला है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, हम सब के लिए सब्र का फल बहुत 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 ज़्यादा मीठा मिलने वाला है, क्योंकि क्राफ्टन ने कर दिए हैं डेट्स अनाउंस, और क्राफ्टन ने क्लियरली ये बोल दिया है कि 25 दिसंबर 2022 से लेकर फेब्रवरी फर्स्ट वीक 2023 तक गेम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, और फेब्रवरी फर्स्ट वीक तक ही गेम के अंदर भी जो भी अपडेट्स आने वाले हैं, जो भी आने वाले नए नए चीज़ सब कुछ आ जाएंगे, और हम लोग आराम से खेल सकते हैं या तो 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी या फिर ऐसे ही किसी ना किसी दिन में गेम प्ले स्टोर या ऐप्स और ऐप स्टोर में बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा, और हम लोगों को मार्च से ई स्पोर्ट्स फिर से खेलने को मिलेंगे, मतलब मार्च 2023 से ई स्पोर्ट्स फिर से इंडिया में स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्राफ्टन की तरफ से, जो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आप लोगों को वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो क्राफ्टन के ऑफिशियल साइट से पढ़ के बता रहा हूँ, और आप लोगों के स्क्रीन में अभी भी क्राफ्टन के ऑफिशियल साइट का कुछ स्क्रीनशॉट्स चल रहा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके
पढ़ सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में क्राफ्टन का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके भी आप क्राफ्टन के ऑफिशियल साइट से पढ़ सकते हो। तो गाइस जो अपडेट अभी निकल के आ रही है वो है BGMI के कोलैबोरेशन को लेके। BGMI किसी एक कंपनी के साथ कोलैब करके वापस आ रहा है, जो जिस लिस्ट में 3 कंपनी शामिल है उसमें से किसी एक के साथ BGMI कोलैब करके वापस आ रहा है, जिसमें से एक है एयरटेल, 2 नंबर में है जियो और 3rd नंबर में है जेट सिंथेसिस। तो गाइस इन 3 कंपनीज़ में से किसी एक के साथ BGMI कोलैब करके वापस आ रहा है, जो कि अभी कंफर्म नहीं पता चला है। जब भी पता चलेगा मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा, और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस आप लोगों को हाल ही में सुनने में आया होगा कि क्राफ्टन की तरफ से कोई ट्रेलर शूटिंग हो रहा है BGMI का, या फिर कोई वीडियो शूटिंग हो रहा है BGMI का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ भाई, BGMI का ट्रेलर शूट हो रहा था अभी, जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता है कि उस ट्रेलर में क्या है, या फिर कोई क्रिएटर है, कौन कौन है, कुछ नहीं पता है। लेकिन ट्रेलर आने वाला है और BGMI उसको हाइड करके रखा है, जाहिर सी बात है, हाइप बनाने के लिए। तो गाइज़ गेम लॉन्च होने से 6 से 7 दिन पहले ट्रेलर आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तब ज़रूर से देख लेना और सभी देखेंगे भाई, है ना। तो गाइज़ हाइप बनाने के लिए ही ये ट्रेलर बनाया गया है, और भाई ट्रेलर बन के रेडी हो चुका है, इतना तो कंफर्म है, इतना तो न्यूज़ है मेरे पास, और देखते हैं कब तक आता है। तो गाइस अभी उन डरे हुए लॉन्डो के लिए जो लोग सोच रहे थे कि गेम का सर्वर अभी बंद होने वाला है, गेम खेलने को नहीं मिलेगा, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि क्राफ्टन ने ऑफिशियली बता दिया है कि इंडियन गेमिंग मार्केट में वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखने वाले हैं, बल्कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडियन गेमिंग मार्केट में। तो गाइस घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप लोग आराम से गेम खेल सकोगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, गेम बहुत जल्द ही वापस आने वाली है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो आराम से, कोई बात नहीं, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, और अगर कोई भी न्यूज़ चाहिए या फिर कोई भी अपडेट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।